मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर पोहरी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आफाक अंसारी के नेतृत्व में अपशब्द कहने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस नेताओं ने वरिष्ठ नेता सांसद राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह और शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी ने बताया कि विगत दिवस केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध अपशब्दों की बौछार की गई थी। उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया था, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा अवैधानिक कृत्य किया गया। इस कारण संपूर्ण देश में इन दोनों मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गहरा रोष व्याप्त है और संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी से कहे गए शब्दों के कारण गहरा रोष व्याप्त है। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पोहरी में उपस्थित होकर इन दोनों के विरुद्ध आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा पोहरी थाना परिसर में थाना प्रभारी पोहरी को एक ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ ज्ञापन में और क्या कुछ मांगे? देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता और कांग्रेस के हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी की जिस तरीके से लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ती जा रही, उसको देखते हुए पूरी भाजपा और भाजपा के मंत्री, भाजपा के लोग, खुद मोदी सरकार डरी हुई है और उल जुलूल भाषा का प्रयोग कर रहा है। चाहे राहुल गांधी जी को भद्दी भद्दी गालियां देना, और हद तो ये पार हो गई है कि अब उनके मंत्री उनको जान से मारने की धमकी तक देने पर उतर आए। चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों का रवनीत सिंह बिट्टू का मामला हो, चाहे रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हो, अपनी भाषा में अनर्गल शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कहीं उनके परिवार पर जाते हैं, कहीं उनकी दादी पर जाते हैं। भाजपा ये गंदी राजनीति करना छोड़े और अपने काम और मुद्दों पर आए। जिस मुद्दों को लेके वो जनता के पास गई थी वो जीती, ये मुद्दों से भटक गए हैं और सिर्फ राहुल गांधी पर अटैक करके, कांग्रेस पर अटैक करके देश नहीं चला सकते हैं। निश्चित रूप से इसका जवाब राहुल गांधी जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के पीछे समूचे प्रदेश और देश की जनता खड़ी हुई है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में और आगामी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से भाजपा को पटकनी जनता देगी और राहुल गांधी जी की जीत मोहब्बत की लड़ाई है, इसको जीतेगी और राहुल गांधी जीत के आगे बढ़ेंगे।